अटेंडेंस लेनी है। नैन लल्लन एलन प्रेजेंट सर। हाँ टर्मिनेटर एक्स साक्षात अश्विन, इन्हें चुम्बन आया नहीं? वो आया, कितनी अच्छी बात है। सर वो तो एक महीने से नहीं आ रहा है, तभी तो अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों आज क्या पढ़ना था हमें? एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ना था सर। सर तुम्हारी तो हमें रटनी है। अच्छा देखो कुछ जरूरी काम है। हाँ तो बच्चों क्या बोला तुमने? एलजेब्रा क्या वाला है सर? एलजेब्रा कौन सी वाला है कि तुमने इतनी देर में तीन बच्चे भी कर लिए? अरे नहीं नहीं सर, किसी ने बच्चा बच्चा नहीं किया है, हम लोग एक महीने बाद वापस आ गए। तो क्या है ना, वसूली वसूली क्रिकेट पहन लिया, शूटिंग वोटिंग सब हो गई। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उच्चक स्टूडियो को। तो सर वही कह रहे थे कि अब आ गए हम, तो सर थोड़ा सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई का भी। तुम में से सबसे लेट कौन आया था? सर में से देखा जाए तो सर अगर आप मिली सेकंड की बात करें तो एक दो मिली सेकंड का फर्क होगा। पहले ये कूदा, फिर मैं कूदा, मैं फंस गया था इधर बीच में, ये लास्ट में कूदा था। तो मेरे हिसाब से सर आपके हिसाब से पनिशमेंट तेरह मिलनी चाहिए। हाँ देर को मिलते हैं सर, वही सर के मजे लेगा, ये बहुत ज्यादा मजे लेना। जो है मुर्गे हक्का एक और है, ये नहीं करना है सर, मुर्गा ही बनना है ना। पनिशमेंट भी अपग्रेड हो गई है, मेरी पनिशमेंट चलेगी। अरे सर नहीं नहीं तुम्हें दिखा क्या पनिशमेंट है। सर ये किताब है, बहुत सारा क्रिंज कंटेंट है। तुम उस पट्टिया में मुर्गा बन के बैठ जाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक तो क्लास क्या कर रहे थे? सर मैं ये पढ़ ही नहीं सकता सर, सर प्लीज सर सर सर। ओए सुन, इसके बुक में कुछ लिखा है देख। वो देख 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 क्या लिखा है? प्रोजेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडिया। ओए ज्यादा होशियार बन रहा है, चल वेट वेट पनिशमेंट टाइम। सॉरी सर नहीं करूंगा सर। आ रहा हूँ सर। पिटेगा कालू, पिटेगा। सर सॉरी सर, माफ कर दो सर प्लीज सर। हाँ तो बिटुआ तुम पढ़ोगे? चुम्बड़ आइडिया। सर ये क्या है? सर सर नहीं पढ़ सकता, सर नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। अरे हट। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन और जस्टिफिकेशन का, कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड इडली बनाने वाला बर्तन है कि नहीं? ये गुंगा पढ़ाई कर रहा है, ये मोटा ये चश्मी यही पढ़ाई कर रहा है सबसे अच्छे टाइम में। चलो कुछ ना कुछ करते हैं, डायनामो की तरफ पट से हेडशॉट। तो इसको हम करेंगे उसका पास। अरे टीचर मुड़ गया। अरे तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, तुमने कब देखा? अब आ गए हमें तो। अरे मैंने नहीं किया, मैंने तो अपने बोल दिया। चर्बी चढ़ी है, चल पनिशमेंट टाइम आ जा। अरे सर अब क्या पनिशमेंट दे दो, बताओ तो जरा यार।
सर मुर्गा बनना है क्या फिर से? या मैं भी बुक पढ़ने चले हूँ किसी की? सर क्या मेरे को भी कुछ पढ़ना है क्या? ना 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 अल्लू ना, तुम किताब पढ़ोगे नहीं, तुम किताब लिखोगे। टॉपिक है राइट अ बायोग्राफी ऑन डिंचैक पूजा। क्या डिंचैक पूजा? अरे ऐसे काहे देख रहे हो, बायोग्राफी समझ नहीं आ रही? अरे निबंध लिख दो निबंध डिंचैक पूजा पे। अरे यार वो तो मुझसे भी बड़ी एलियन है और उसके गाने तो जियान से भी गंदे होते हैं, कैसे लिखूंगा? ना लिखना पड़ेगा। उठाने का वो जादू वाला टेक्निक लगा सर, मैं लगा देता। चलो घुमाना है, पहले मैं घुमा रहा, ठीक है? उठ जा। उठ गया भाई, ठीक तो है ना भाई? वो पागल इंसान साला दिमाग खराब, मेरे को अभी भी याद है उसने क्या किया था। बोल रहा था ढिंचक पूजा पे निबंध। भाई इतना क्रिंज कंटेंट वुडचक स्टूडियो पे कैसा आ सकता है कि अपन ढिंचक पूजा पे निबंध लेके? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको साला पता है डांस कराएगा, बोलेगा इस गाने पे डांस बोलता भाई भीम डम सुटकी, तो ये बोलता 2020। अब 2020 कितना गंदा जा रहा है भाई। तो इसका ना कुछ करना पड़ेगा भाई, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। क्यों? अपन है तो बैकेंडर, उनको तरीके तो अक्सो आते हैं। अपने ट्रेडिशनल तरीके करें। ये ये बैकेंडर। यस यस। चलो बच्चों, कल हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, आज हम जेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। आउट ऑफ क्लास। अरे अरे आ गए तुम तीनों, और ये बैक बेंच आज फ्रंट बेंच में कैसे बैठ गए? हाँ तुम्हें जो किताबें दी थी ना, चलो आंसर बताओ। हाँ तो साक्षर जरा बताना भाई, भीम डम चुटकी। अरे सर देखो, भीम था नंगा पुंगा, पैसे थे नहीं उसके पास, और आपको तो पता ही है दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए उसने चुटकी को डंप कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा बन रहा। अरे हाँ भाई अश्विन नायर, तुमने किताब दी थी ना 2020 कम्प्लीटली एक्सप्लेन, चलो 2020 के कुछ फीचर्स बताना। अरे सर आपको तो पता ही है, अभी तो कोरोना चल रहा है और अभी तो लेजेंड्स भी बनने लग गए, और ऊपर से ये भी कि अब धोनी ने रिटायरमेंट भी ले ली और सुरेश रायना ने भी इसके साथ ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्या बताऊं सर, बहुत बकवास साले, और आप उल्टा हमें स्कूल में पढ़ा रहे हो। वाह निशाना बन रहा है। और क्यों रे टर्मिनेटर एक्स, सुना मैंने कि तुझे हार्ट अटैक आ गया। अब एलियंस को भी हार्ट अटैक आने लगे क्या? हाँ कौन सी किताब दी थी मैंने, ये तुम्हें तो लिखनी थी। चल बता ढिंचक पूजा पे, तुम्हें कॉपी निकालो और बताओ बायोग्राफी तुमने लिखी के लिए। हाँ तो सर आपने बोला था ढिंचक पूजा पे निबंध लिखना है। देखो महापुरुषों पे बोलते तो भाई मैं मान लेता, जैसे दीपक कलाल ये सब, लेकिन ढिंचक पूजा इस पे कोई निबंध लिखता है? अरे भैया देखो, अब मैंने थोड़ा बहुत देखा है, देखो ढिंचक पूजा एक ऐसा प्राणी है जो मुझसे भी ज्यादा विचित्र है, और उसके गाने तो जियान से भी गंदे होते हैं, आप सुन ही नहीं सकते। आपके इसी सवाल के ऐसे कल मेरे को हार्ट अटैक आता। चलो बॉय नोटो, टाइम आ गया इसको ठोकने का। चलो बनेगा, गुस्सा हो रहा है, चलो इसके मजे लेते हैं, पीछे बैठे आ जाओ आ जाओ। अबे तुम लोग पढ़ो, बैठो ना, बैठो बैठो।
तो जेवरा के बारे में पढ़ना था। जेवरा तो तू है। क्या बोला? जेवरा तो आप हो। जेवरा तो आप तो सर। सर इतना सुंदर जेवरा की तरह आप ही तो लग सकते हो। हाँ सर। जेवरा। हाँ जेवरा। सर कॉफी। देखो मैं व्हाइट। एक्सेक्ट ब्लू। नहीं ये तो ब्लैक है। ये ब्लू व्हाइट और ये ब्लैक। आज की डेट डालो सब लोग धरती जानते मिलेगा। हम देवरा की पूछ के डेफिनेशन लेंगे को इतना मारूंगा दिवाली में पटाखों की जगह बिकोगे तुम लोग। अरे सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है हमारे मन में आपके लिए। आपको ऐसा टीचर हमने आज तक नहीं देखा। इतना चुम्बर इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं। हाँ तुम्हारी ऐसी तैसी मैं नहीं पढ़ूंगा तुम लोग। क्या पढ़ने वाले थे मुझे मारा इंजक पूजा के साले मेरी फैन ऑफ द लाइन है मेरी ये देख